पूरी यहाँ पे DRL टाइप यहाँ पे LED लगी हुई है और उसके साथ में इसके अंदर प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। पूरी इसके अंदर DRL फिनिश साइड में आपको मिल जाएगी देखने के लिए और 17 इंच का अलॉय देखने के लिए मिल जाएगा जिसके अंदर जो लगे बकेट सीट कवर है और ये है नापा फिनिश के अंदर। पूरी फ्लोरिंग इन्होंने इसके अंदर कराई है जिसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। आपका 47 नेशन में और मैं हूं दीक आपके साथ। तो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है बिल्कुल ही न्यू और फ्रेशली आपके लिए। बहुत अच्छी चीज लेके आया हूं मैं जो कि है वरना SX 1.5 इंजन के साथ। तो वरना जो है पूरा आपको रिव्यू दूंगा, उसका कॉस्ट बताऊंगा, उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी हुई है वो मॉडिफिकेशन बताऊंगा, अलॉय चेंज है, तो सारी चीजें बताऊंगा आपको। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथ में सब्सक्राइब का बटन भी साथ में दबा दे। और चलते आगे, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि जो 2020 वरना आ रही है वरना के अंदर क्या उसका कॉस्ट आ रहा है, कितने उसकी माइलेज है और गाड़ी के अंदर आप मॉडिफिकेशन कराते हैं तो गाड़ी कैसी लगती है। फिलहाल इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन मैं आपको सारी दिखाऊंगा गाड़ी में, तो चलते हैं गाड़ी पे और दिखाता हूं आपको मॉडिफिकेशन क्या क्या हुई है गाड़ी में। तो गाइज इसी वरना की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वरना जो आती है ये आती है 1.5 SX मॉडल। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट के अंदर आपको हेडलाइट्स देखने के लिए मिल जाएगी जो कि इसके अंदर एक पूरी यहाँ पे DRL टाइप यहाँ पे LED लगी हुई है और उसके साथ में इसके अंदर प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ये इसके इंडिकेटर जिस तरफ जलते हैं, साथ में इसको फ्रंट के अंदर आपको क्रोम फिनिश के अंदर पूरी ग्रिल मिल जाएगी जो आप आजकल देख रहे हो कि RS ग्रिल टाइप के अंदर जो लोग मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, तो कंपनी आजकल पहले से ही मॉडिफाइड करके पूरी की पूरी दे रही है। आप देख रहे हो उसकी फिनिश में, अगर आपको पास से दिखाऊं नीचे इसके अंदर आप देख रहे हो, जैसे कि मैं आपको फ्लैश ऑन करके एक बार दिखाता हूँ कि पूरी एक ये ग्रिल टाइप नीचे बनी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी फिनिश देती है फ्रंट के अंदर इसको। और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर नीचे फॉग लैम्प के अंदर प्रोजेक्टर देखने के मिल जाएंगे जो मैं आपको इसका नाइट शॉट्स भी दिखा दूंगा कि इसका नाइट के अंदर इफेक्ट कैसा रहता है। तो फ्रंट के अंदर एज सच और कुछ चीज़ें नहीं है, मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ गाड़ी का कि ओवरऑल व्यू गाड़ी का किस तरीके से है। आपने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोज़ देख लिए होंगे, मैंने सिनेमैटिक्स डाले थे कुछ। ये है Hyundai का वरना 1.5 SX मॉडल जो गाड़ी के साथ 1.5 इंजन लेके आता है। और इसके साथ साथ मैं आपको स्टार्टिंग का बता ही चुका हूँ कि इसके अंदर सामने प्रोजेक्टर है, उसके साथ इसके अंदर DRL की एक पूरी हाइलाइट्स दी हुई है, नीचे भी इसके अंदर प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और साथ में आपको एक क्रोम फिनिश ग्रिल सामने देखने के लिए मिल जाएगी और नीचे एक RS ग्रिल टाइप की थोड़ी फिनिश दी हुई है। तो गाड़ी के साइड प्रोफाइल में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिरर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि ऑटोमेटिक मिरर्स है, बट ये लॉक से बंद नहीं होते हैं, ये अंदर से आपको करना पड़ता है, तो ये वो वाले मिरर्स है। साथ में आपको इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाएगी जो कि कंपनी फिटेड है, ये बाहर से नहीं लगवाए हुए हैं। साथ में आपको इसके अंदर एक 17 इंच का अलॉय देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है और आप देख सकते हो कंपनी इसके ऊपर स्टैलियन लिखी हुई है। साथ में मैं आपको अगर इसका टायर साइज़ बताऊँ तो 215/45 ZR17 इसका टायर साइज़ है। उन्होंने चाइनीज़ टायर प्रेफर नहीं किया था, उन्होंने इसके अंदर योकोहामा का टायर लगाया जो कि मैंने आपको टायर साइज़ बता दिया, 215/45 R17 इसका टायर साइज़ है। और एलॉय बहुत ही अच्छा लगता है, गाड़ी वाइट है तो और उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन देता है ब्लैक। और सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, उसके बाद मैं आपको इसके साइड व्यू बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं इसकी बैक में। जैसे कि आपने सिनेमैटिक्स देख ही लिए होंगे, गाड़ी की लुक बहुत ही डिसेंट आ रही है ब्लैक अलॉय के साथ। और इसके आप अगर मैं आपको कुछ साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो साइड प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हो टायर इसके थोड़े से 1.25 इंच के आसपास बाहर है गाड़ी से। मैं आपको पूरा रिव्यू देता हूं साइड का, उसके बाद मैं चलते हुए शॉट्स डालूंगा, आप वो एंजॉय कर लेना, उसके बाद मैं आपको इसके बैक में लेके चलूंगा। तो साइड प्रोफाइल के अंदर मैंने जैसे आपको बताया इसके अंदर आपको मिरर्स देखने के मिल जाएंगे जिसके अंदर साइड इंडिकेटर्स फिट है और उसके साथ साथ आपको क्रोम जो है वो कंपनी से ही आता है। ऑल दो इन्होंने आई पॉप जो है ये बाहर से लगाया हुआ है, ये एक्सटर्नल है, इन्होंने जो है कंपनी से नहीं आया, ये दोनों चीज़ जो है इन्होंने डोर गार्ड बाहर से लगाए हैं। साथ में इसके अंदर आपको साइड प्रोफाइल के अंदर ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बात करते हैं इसकी बैक की, तो बैक के अंदर आपको
बहुत ही प्यारी बैक लाइट्स इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो हम आफ्टर मार्केट लाइट्स लगाते हैं तो उस लाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी इस वक्त जो लाइट दे रही है वो बहुत ही प्यारी फिनिश के अंदर आप देख रहे थे, आप देख सकते हो पूरी इसके अंदर DRL फिनिश साइड में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। और बीच में इसके अंदर बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन दिया है, जिसके अंदर 5 लूप होल्स बनाए हैं जो बहुत ही अच्छी एक फिनिश दे रहे हैं बॉक्स टाइप के अंदर। और आपको साइड में उन्होंने, अगर आपको मैं बताऊं तो इसके अंदर लाइट बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है कंपैरिजन टू 2018-19 की जो भी मॉडल के अंदर आ रही थी। अगर मैं आपको पीछे के बम्पर की फिनिश दिखाऊं तो जो कि बहुत ही डिसेंट फिनिश दी है और थोड़ा रेसिंग एडिशन टाइप की फिनिश है इसके अंदर। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स दिखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे मैं फ्लैश जलाऊंगा तो ये देखो रिफ्लेक्ट करते हैं। और साथ में आपको साइड में इसके अंदर बहुत ही प्यारा एक RS फिनिश टाइप मिल जाएगा, जैसे कि आपको एक ABS बॉडी के अंदर मिलता है पूरा। ये इन्होंने एक्सटर्नल बाहर से लगाए हैं, जो कि है ये बम्पर गार्ड। बहुत ही ज़्यादा ठीक चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर गाड़ी आप बैक कर रहे हैं कहीं लग रहे हैं तो पहले ये टच होंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी टच होगी, जैसे कि आप देख ही सकते हो। ये इसके होने के बाद इन्होंने शायद करवाया होगा। इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करो चलते हुए, फिर चलते हैं गाड़ी के अंदर। आपको गाड़ी के अंदर बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और इनको अलॉय कितने के पड़े और गाड़ी पूरी ओवरऑल इन्हें कितने में पड़ गई है। बात करें इसकी डिग्गी के स्पेस की तो आप स्पेस देख सकते हो कि इसके अंदर कितना स्पेस है। गाड़ी के अंदर अभी फिलहाल सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी 2020 मॉडल है तो अभी इसके अंदर इन्होंने कुछ छेड़खानी कराई नहीं है। इन फ्यूचर गाड़ी जल्दी से तैयार होगी और इसके अंदर मॉडिफिकेशन होंगी, तो मैं आपको वो भी फ्यूचर करूँगा। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ आपको क्या क्या फ्यूचर्स गाड़ी के अंदर कंपनी की तरफ से आ रहे हैं और कंपनी फिलहाल क्या क्या प्रोवाइड कर रही है आपको 2020 वरना के अंदर, जो कि है 1.5 SX मॉडल। तो गाइस सिनेमैटिक्स कैसे लगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको गाड़ी के अंदर एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि इसके अंदर आफ्टर मार्केट क्या क्या लगा हुआ है और कंपनी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सीट कवर से। तो सीट कवर इसके अंदर जो लगे हैं बकेट सीट कवर है और ये है नापा फिनिश के अंदर, आपको दिख रहा होगा साथ में। इसके अंदर साइड में ऑफ वाइट क्रीम कलर की हाईलाइट्स दी हुई है, साथ में मैट फिनिश के अंदर इसका पूरा बकेट सीट लगी हुई है। साथ में हैंडरेस्ट जो है इसका एक कंपनी से ही आता है। आपको फिनिश मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सीट कवर की फिनिश किस तरीके से है। फ्लैश ऑन किया हुआ है मैंने तो कैमरा जस्टिस कर पा रहा होगा कि कितनी अच्छी फिनिशिंग से इन्होंने काम कराया है। ये काम जो इन्होंने कराया है करोल बाग कार श्रृंगार से, और एक गाड़ी जो है करोल बाग से ही इन्होंने जितना भी इसके अंदर काम कराया एक्सटर्नल सारा का सारा काम इसका करोल बाग से हुआ है। तो काम कराए हुए एक दो महीने हो चुके हैं जब इन्होंने गाड़ी ली थी, उसके एक डेढ़ हफ्ते बाद इन्होंने ये सब चीज़ें करवा ली थी इसके अंदर, साथ में एलॉयज और इसके अंदर जो सीट कवर्स वगैरह जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको 11D मैट देखने के लिए मिल जाएगा। पूरी फ्लोरिंग इन्होंने इसके अंदर कराई है जिसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। तो ये पूरी फ्लोरिंग होती है गाड़ी के अंदर, तो इसके अंदर आपके सारी सीट्स वगैरह सब निकलती है, उसके बाद ही पूरी फ्लोरिंग होती है, जिससे जितने भी गंद वगैरह कुछ भी चीज़ें होती है तो गाड़ी के अंदर कुछ भी डैमेज नहीं होता है इसके ऊपर ही होता है। उसके साथ साथ आपको इसके अंदर 11D मैट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो लगे हुए हैं, आप देख सकते हो 11D मैट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। तो गाइस बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर के अंदर आपको इसका मीटर सबसे ज्यादा मुझे जो है हैपनिंग लगा। पहले इसके अंदर जो इसकी स्पीड आती थी वो इस तरफ आता था, एक्सेलरेशन वाला पॉइंट इसका इस तरफ आता था, बट अब इन्होंने इसको फ्लिप कर दिया है और स्वॉप कर दिया दोनों चीज़ को, और बहुत ही अच्छी फिनिश दे रहा है मीटर इसका, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ में आपको इसके अंदर यहाँ पे एक स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि कंपनी से फिटेड स्क्रीन आ रही है इसके अंदर और बहुत ही अच्छी फिनिश दे रही है। साथ में आपको इसके जितने भी मैनेजमेंट है वो सारे के सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। AC का पूरा मैनेजमेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में इसके अंदर एक वायरलेस चार्जर आ रहा है, जो कंपनी आईफोन वगैरह जो भी सपोर्टेबल फोन है वो इसको सपोर्ट करते हैं वायरलेस चार्जर को। साथ में इसके अंदर स्लॉट आपको देखने के मिल जाएगा 12 वॉट का, और साथ में USB भी है, और एक और इसके अंदर एक्स्ट्रा स्लॉट देखने के मिल जाएगा जिसके अंदर इन्होंने एक्सटर्नल लगाया हुआ है
और साथ साथ अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं तो ये स्टार्ट बटन है, SX मॉडल है, तो इसके अंदर ये स्टार्ट बटन है और साथ में आपको इसके अंदर सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी फिनिश देता है गाड़ी को और बहुत ही डिसेंट लगता है। सिनेमैटिक्स मैंने इसके डाले हैं, सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, उसके बाद मैं आपको इसके पीछे की तरफ लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर और चीजें क्या क्या है अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो उसके ऊपर बड़ा स्टीयरिंग कवर लगा हुआ है जो कि एक मैट फिनिश के अंदर है, बहुत ही डिसेंट फिनिश दे रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में आपको इसके ऊपर पूरे के पूरे हैंडल कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल्स के अंदर आपको वॉल्यूम वगैरह, कॉल के लिए कॉल कट मोड और साथ में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आ रहा है इसके अंदर और क्रूज कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये 6 स्पीड मैनुअल गाड़ी है जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये वरना 1.5 SX मॉडल है। इधर के अंदर एज सच इसके अंदर इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, आपको यहाँ पे पूरे कंट्रोल मिल जाएंगे। तो गाइस बात करें इसकी बैक की, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर पूरा जो है नापा फिनिश के अंदर बकेट सीट्स लगे हुए हैं जो कि ऑफ वाइट फिनिश के साथ हाइलाइट्स में है। पीछे एसी के दो डक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, अंदर कोई भी ऑप्शन बटन का ऑप्शन पीछे नहीं दिया गया है। साथ में नीचे अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसके अंदर आपको एक चार्जिंग स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस बात करें इसके सनरूफ की स्पेसिंग की, तो अगर आप देख सकते हो इसके अंदर आराम से दो जने बहुत ही प्यार से खड़े हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी इसके अंदर हमारा भाई खड़ा हुआ है, अभी इसके अंदर ये पूरा आधा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे स्पेस देखोगे तो आराम से एक इंसान इसके अंदर से और बहुत ही प्यार से निकल सकता है। तो गाइस आपको इसकी की कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी, ऑल दो मैंने इसका लॉक अभी निकाला हुआ है, तो ये लॉक से मैं इसको बाहर निकालूंगा तो आपको चाबी इस तरीके से निकल जाती है बाहर। तो मैं आपको लॉक करके दिखा देता हूँ, ये देखो इसे लॉक हो गई है और लॉक इस पीछे इसके लॉक है। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो SX मॉडल जो ये मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ ये है पेट्रोल मैनुअल, तो इसका प्राइसिंग है 1,70,390 रुपये जो कि है इसका एक्स शोरूम प्राइस। और बात करें इसके ऑटोमेटिक वेरियंट की तो वो आपको पड़ेगा 11,95,390 रुपये का। तो ये मैं जो आपको प्राइजेस बताएं ये है इसके एक्स शोरूम प्राइजेस, और इसके अंदर अगर आपको चीज़ें ऐड कराते हैं तो उसके प्राइजेस थोड़े अलग होंगे। तो ये जो है स्टॉक गाड़ी जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है ये उसके रेट्स मैंने आपको बताए हैं। तो गाइस गाड़ी कैसी लगी जरूर बताएं। गाड़ी के अंदर मैं आपको ऑल ओवर अगर खर्चा बताऊं तो भाई ने इसके अंदर अलॉय चेंज कराए हुए हैं, साथ में इसके अंदर सीट कवर्स लगे हुए हैं। सीट कवर्स के साथ साथ आपको इसके अंदर जो मैंने पीछे बम्पर के अंदर दिखाए थे मैंने गार्ड्स एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, तो दो तीन चीजें इसके अंदर इन्होंने करवाई हुई है। ऑल ओवर अगर मैं आपको खर्चा बताऊं तो 70,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर इन्होंने स्पेंड किया हुआ है। गाड़ी के अंदर बहुत ही बेसिक मॉडिफिकेशन है अभी, और कंपनी इतनी सारी चीजें दे रही है तो हमें उसके अंदर बहुत सारी चीजें करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है फिलहाल। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू गाइस, बाय बाय।